वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी मेंस के लिए हमने सीरीज 1000 क्वेश्चन के लिए चालू की है, जिसका एक पहला सीरीज है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल तथा एसआई के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सरदार भगत सिंह। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। किस भारतीय विद्वान ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? अमीर खुसरो। थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश। गर्मी में बोई जाने वाली फसलों को किस सामूहिक नाम से जाना जाता है? खरीफ की फसल। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा नीति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होता है? पंजाब। आयुर्वेद के जन्मदाता कौन थे? धन्वंतरी। कुंभ मेला कहां पर लगता है? ये चार जगहों पे लगता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन। संत कबीर जी ने कहां प्राण त्यागे? मगहर में। श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं तथा 15 अस्थायी सदस्य हैं, सदस्य देश हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। कौन सी सीमा रेखा भारत एवं चीन के बीच है? मैकमोहन रेखा। कौन सी सीमा रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है? रेडक्लिफ रेखा। कौन सी सीमा रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है? डूरंड रेखा। कौन सी सीमा रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है? हिंडनबर्ग रेखा। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा मक्का किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। दूध की शुद्धता किस से मापी जाती है? लैक्टोमीटर। बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? जगजीवन राम। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। दिल्ली
भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि हाई कोर्ट, यूपीएसआई, कांस्टेबल और सीएचएसएल, एसएससी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 64 क्वेश्चन हो गए हैं, ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अपना नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोस बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू।